उसको जहाँ जहाँ पे डार्क है ना पेंटिंग में, जहाँ जहाँ पे डार्क वाला हिस्सा है ये है ना, इसके बाद ये तो डार्क वाले जो हिस्से हैं उसी हिस्से में आपने ब्रुकलो डालना लगाना है रॉबर्ट। कलर उठाओ बढ़िया से, ठीक, कलर में कंजूसी नहीं करो और कलर निकाल, ठीक है। जहाँ जहाँ डार्क तुम्हें दिखाया जैसे भी यहाँ पर है इस एरिए में है, सबसे ज़्यादा जो डार्क ब्लैक कलर दिख रहा है ना जहाँ जहाँ पे ब्लू नहीं ब्लैक जैसा जो दिख रहा है वहाँ ज़्यादा दिक्कत है तो आप पतले ब्रश का यूज़ करो। बढ़िया पूरी लाइन खींचेगा ध्यान देना, ब्रश को एक बराबर चलाओ इसका तो चले जाओ है ना, उठाओ नहीं बीच में, लाइट लानी पड़ेगी। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ कान के नीचे लग गई ना जी, देख रहे हैं जिस सेट में देखा उस सेट के हिसाब से वहाँ पे बना होगा लाइट, वहाँ पे भरो उसके बीच में डिक्टेट कर वहाँ पे डिक्टेट कर लेते यहाँ से ना वहाँ जाना पड़ेगा ना, कोई नहीं कर लेगा वो उसमें, बस तुमने ध्यान ये रखना ना जो भी डार्कर एरिया है ये जैसे जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा यहाँ ये कान के बीच में डार्क दिख रहा है ब्लैक दिख रहा है ना, दोनों चेयर आप उसको टच कर लो ना पैर फैल जाएगा थोड़ा और यहाँ पे पतला करना ब्रश को हल्के से उठा लेना, यहाँ पर ये कर सकते यहाँ से डरना था चढ़ाते
यहाँ से ब्रश को थोड़ा प्रेशर कम करते जाना, उठाते चले जाना, यहाँ से लगता है तो उठा लेना, ठीक है। और यहाँ से डार्क प्रेशर दे के चलाओगे, देखो इधर यहाँ प्रेशर दे के चलाओगे, यहाँ धीरे धीरे यहाँ पे आकर कर्व कर लो, दिख रहा है जी। कल हम लोग आए नहीं, कल कॉपी चेक हो रही थी, कल 500 कॉपी थी, और शनिवार वाली भी और कल वाली, तो पूरा टाइम पास नहीं हो रहा। अभी तो हम लोग इसलिए ड्यूटी नहीं किया, आज भी यहीं पर कॉपी चेक हो रही थी, बची थी कुछ किसी ना से कुछ कॉपी घर उठाने गए थे, इसीलिए आज कहीं ड्यूटी मिला आज ही। चलो बाद में मिक्स हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लो, पहले आउटलाइन करना क्लियर करो, कहाँ कहाँ पर आउटलाइन करनी है, जैसे ये डार्क एरिया है, यहाँ देखो ये देखो, या ये ब्लैक वाइट लाइन पतली लाइन करेंगे, पतला बट ले लेना, वरना उसी को देखो ये ब्रश ऐसे चौड़ा चलता है, फिर ऐसे बहुत ही पतला चलता है, ठीक है ना, ऐसे चौड़ा चलोगे पतला चलेंगे, ऐसे चलाओगे तो पतला चलेगा, ठीक है। और नीचे बॉल में केरोसिन है, ध्यान देना जब नई क्लच ब्रश चले तो उसमें डुबो देना, हल्का सा चले जाएगा। उसका प्रयोग नहीं चल करना, जब ब्रश बिल्कुल नहीं चले, फंस जाए, ड्राई हो जाए ऐसा, है ना, तभी करना। अभी आपने यहाँ वाला देखो, ये लाइन बिल्कुल फ्रेश आई हुई है, दिख रहे बिल्कुल शार्प है, तो वहाँ पे आप कर सकते, लाइट चलाओ ना, क्यों पतला चला रहे हो, हाँ वो सीधी लाइट, वैसे चलाओगे तो लाइट सीधी आएगी, और वैसे चलाओगे तो भागे भी पतली आएगी, बड़ी बड़ी हो जाती। देखो जहाँ तक आई है ठीक, फिर नॉस्ट्रल के नीचे भी है, फिर नॉस्ट्रल के नीचे पूरा ब्लैक है, साइड में यहाँ पर यहाँ बहुत हल्का सा प्रेशर देके चलाओगे आउटलाइन पे, पतला साइड से, फिर उसके साइड में वहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है, ग्राउंड ब्रश भी निकाल लो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स के लिए राउंड ब्रश का प्रयोग करते हैं दोनों में, तो छोटे कोई ब्रश ले लो, फ्लैट में ही और छोटा ले लो चाहिए, और भी छोटे हेयर में होते हैं मुलायम भागती नहीं, जैसे ये बहुत ही छोटे हेयर है, ये बिल्कुल नहीं भागेगा, कहीं ऐसा नहीं जो भाग जाएगा तो आप उसका प्रयोग करो, ये नहीं भागेगा, आपको बनाना है तो ये इसके अंदर से बिल्कुल नहीं भरेगा कहीं भी, ठीक है। और जो लाइट कलर करनी तो ये कलर है ना यहाँ पे, इसी को खींच के ले आओगे, लाइन नहीं रहेगी, है ना, ये मिक्सिंग का काम करेंगे यहाँ कर पाने में। अब यहाँ आगे हो ना, अब यहाँ पीछे नहीं जाना, इसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है,
खींचते हुए आगे बढ़ा, फिर ये इसी को आगे बढ़ाना है। ठीक, अभी को दरवाजे से वाइट भी मिलाएंगे, फिर हम इसको शेड के दर से एक कलर से शेड कर डालेंगे। अब इसके आगे वाला कलर खींचेंगे, समझ आ रही बात? जहाँ जैसा डार्क करना है तो डार्क करो, लाइट करना है लाइट करो। देखो पूरा वाइट ही है बट पीछे यहाँ पर एक स्ट्रोक आया हुआ है। ठीक, ब्लैक वाले की जरूरत है, ब्लैक नहीं है कहीं पर, है ना, सब ब्लू ही है। वो बाद में करना होगा तो हम ब्लैक कर लेंगे बाद में। से भी छोटा है ब्रश होगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो उसका यूज करो। इसका करो वाले ब्लैक कलर कलर को फैलो। डर किस बात का लग रहा है तो पूरा गीला कर दिया। कलर की यही एक खास बात है, फैलता बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अब देखना कि वाइट जहाँ हो वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, बाद में मिक्स करना बताएंगे, पहले इसको सब फैला। अब ये लाइन अंदर बाहर किस बाहर साइड में डार्क है, बाहर वाली डार्क लाइन खींची बस। ठीक, यहाँ पे अंदर है, अंदर के लिए कलर ले लेना है इसमें। ध्यान दो वहाँ पर रिफ्लेक्शन है, ध्यान देने वास्ते उसमें नहीं चले जाना है। इसके बाहर वाली लाइन जो है वो डार्क डार्क। ठीक, उसको बना के रखना है। सिर्फ लाइट डार्क ही होता है, कुछ नहीं होता है। लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन, है ना। मैं जहाँ तक जा रहा हूँ तक ले जाओ। ठीक, और यदि अभी डार्क वाला सारा काम कर लो फिर इसमें थोड़ा सा व्हाइट मिला के स्काई ब्लू बन जाएगा, तो मिड टोन आने पर काम करेंगे। क्या दिक्कत है तो राउंड ब्रश से कर पाओ तो राउंड ब्रश में कोई दिक्कत नहीं।
किया है। व्हाइट जमीन कैसे व्हाइट कलर? हाँ बस वही एक ही। हम काम कर रहे हैं लाइट डार्क के कलर से। आजू में कलर लगा है बहुत तरफ ठंडे पड़ रहे हैं वहाँ येलो कलर लगना है बस इसी में जाए। एक ही बार में पूरा डार्क नहीं करो ना, अभी पहले कर लो उसके हिसाब से, फिर धीरे धीरे बाद में डार्क करते रहो। ठीक है, अभी लिप्स का राइट वाला लिप्स, लेफ्ट वाला लिप्स ब्लैक करो। तुम चेयर खड़ो इधर कर लो ना, शायद ठीक ठीक है। ध्यान से देखना और उसमें जितना ब्लैक है बस उतना ही बाहर मत चल जाना, फैन फैन के अंदर ही रहना है। हर लाइन के लिए थिकनेस के हिसाब से ब्रश चेंज करते रहो, इतने ब्रश किस लिए रखा, देखने के लिए नहीं हो। जहाँ जैसे ब्रश की आवश्यकता हो वैसे पतले मतले। अरे जहाँ इनका काम हो इससे करो।
इधर मत अभी ये वाले डॉट लाइन कर ये वाली इस साइड वाली जो डार्क लाइन है डार्क कर देखो सबसे कॉल फिर यहाँ पर इस साइड मस्क नीचे जस्ट ब्लैक इस साइड वाली इस साइड है सिर्फ इस साइड और इस लाइन की इस साइड ब्लैक दिख रहा है यस हाथ रखने के लिए समझ इसके लिए चाहिए बड़ा डंडा मंगवा देते हैं हाथ अब उसका क्या डंडा होता ठीक है मुझे बहुत हल्के से लेना कलर बहुत कम चाहिए मिक्स होगा है ना
इसको और लाइट करना और उसको दोबारा बैठ चलते हैं ऊपर से प्रेस प्रेस में जहाँ पर वाइट करना है ऊपर साइड में करना है अगर पहले कर लेते हैं ठीक है। अब स्काई ब्लू का काम है सर वाइट वाले कोशिश की छोड़ ही दीजिए अभी लेकिन बात की बात है जब हम मिक्स करते हैं क्योंकि फेस जब मिक्सिंग वाला है इधर पूरा इससे ब्लैक कलर तो अपने क्या करना है जो ब्लैक लाइन है इसको ध्यान देने के लिए अपने ब्लैक कलर के लिए स्किन की कलर को फैलाना है यहाँ पर फ्लैट कलर का ब्लैक कलर बना दीजिए ब्लैक कलर का स्काई ब्लू है देखना कि ये वाला कॉर्नर जो डार्क है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए खत्म हो जाएगा सब फ्लैट मिक्स हो जाएगा पीछे ठीक है ना पीछे डार्क हो जाएगा ताकि वो वहाँ पे अलग दिखाई दे और लाइनिंग कहीं भी नहीं रहती जब इसे मिला क्या वो डार्क हो जा रहा है उसको लेकर ऊपर वाला स्काई ब्लू जा रहा है ना ताकि वो जो डार्कनेस है वो रह जाए यहाँ पर डार्क चाहिए ही चाहिए था तो बिल्कुल इसमें ऑयल मिक्स है ऑयल रहेगा तो ज़्यादा डार्क चाहिए जो कलर सेट करवाओगे इसके बगल में स्काई ब्लू लगा दो थोड़ा डार्क है ना डार्क वाला कलर लगा दो याद रखना कि ये अलग जानी है ये चीज अलग जानी है ये अलग जानी है आपको दो बार काम करना पड़ेगा इसी कलर को यहाँ से बिल्कुल यहाँ से पता चला एक तरफ बढ़ा रहे पीछे से नहीं ला रहे यही से आगे बढ़ रहे ठीक खत्म हो गया हमें इससे थोड़ा लाइट चाहिए था वाइट जरूर लाइट है ना और अभी तो हमें
नारियल स्किन बना लेता हूँ। देखो ये इधर से फैल रहा है, मिक्स तो करना है, तो इसमें जो क्वालिटी है वो रहने देनी। फिर फ्यूचर में क्या करना होगा उसके लिए, वो वाइट चलाना पड़ेगा। यहाँ वाइट बात में लगा लेंगे, ये ऐसे लगा लेंगे। अब जैसे जैसे हमारा फेस होता है उसके हिसाब से ब्रश चलाता है, जिस शेप में है, राउंड है तो राउंड, फ्लैट है तो फ्लैट, है ना। मिक्स करने में जब हम करते हैं तो उसमें कलर नहीं होना चाहिए, ड्राई ब्रश चल रहा है, जब कलर लगा तो कलर लगा देगा। वहाँ ध्यान देना नीचे डार्क है, बात कर देते सुख गया है, जरा सा प्रेशर दो दूसरा कलर भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ डार्क करना है, इसके नीचे रिफ्लेक्शन देता है, इसी में जस्ट हल्का सा व्हाइट देते चले जाओ। प्योर वाइट है तो किसी ब्रश से प्योर वाइट लगा लीजिए, या डायरेक्ट हम तो ट्यूब से लगा देते हैं। ठीक है, आपने प्योर वाइट लगा दीजिए। देखो यहाँ पर मैंने लगाया, बट ये वाला कलर इधर पे फैलाना है ना, आधा ब्रश इस पे आधा ब्रश इस पे। और ये ना
उसमें इतना रखने थे कि वो लोग जाना कॉपी चेक करें आज फिर से यहाँ भी क्या तीन बार कर रहे जब नहीं हो रहा है हर दिन हाँ एग्जाम तो आज हम बता हमको नहीं हुआ बायो का नहीं हुआ देखिए जब मैं चेक कर रहा हूँ या हम रहे तभी करोगे